मशीन आपकी एलिना एक्वा SX 6 kg 1000 RPM। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट लोडिंग मशीन है, फ्रंट से डोर खुलेगा ऐसे, सबसे पहले डोर खोलना है। ठीक, ड्रम का हिस्सा बीच में रख के कपड़े डालने हैं। ठीक है, एक कपड़ा इधर रखोगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मैक्सिमम लोड रहेगा यहाँ तक, यानी कि डोर की हाइट तक। एक हिस्सा ड्रम का खाली छोड़ना है और बाकी फिल कर दोगे। दरवाजा ठीक से बंद करना है, जब तक दरवाजा ठीक से बंद नहीं होगा, एक क्लिक की आवाज नहीं आएगी तो मशीन काम नहीं करेगी आगे। ठीक, पावर ऑन कर दोगे। ये डिटर्जेंट ट्रे है, अगर पाउडर में डिटर्जेंट डालना है तो यहाँ पे डलेगा, लिक्विड के लिए ये लगा दोगे, लिक्विड इसमें डाल दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर लिक्विड सोप यूज करोगे तो इसमें डाल दिए। बीच वाला एडिटिव के लिए होता है, कोई भी एडिटिव डालना हो, यानी कि कपड़े धोने के बाद जैसे ग्लू, कंडीशनर, सॉफ्टनर, ये चीजें डलती है ना, कम्फर्ट वगैरह, या कोई और चीज डाल लिया तो बीच वाले में डाल। कब डालने? अगर सारे कपड़ों में डालना है तो साथ में डाल दो, यहाँ पे लिक्विड डाल दो, यहाँ पे आपने अपना वो कम्फर्ट वगैरह जो भी डालना है, या पाउडर डालना है तो पाउडर, कम्फर्ट यहाँ पे। ठीक, ये प्रीवोस का होता है, तो इसमें एक प्रोग्राम है प्रीवोस, ये इसकी लाइट जब भी ऑन होगी किसी भी प्रोग्राम पे आप लगा रहे हो, अगर ये लाइट ऑन हो रही है, लाइट आ रही है यहाँ पे ब्लिंक करेगी, तो इसको बटन को प्रेस करोगे तो उसमें प्रोग्राम के अंदर, जैसे आपने कॉटन का प्रोग्राम लगाया, प्रीवॉश आएगा तो ये सिलेक्ट हो गया, तो आधा चम्मच सिर्फ यहाँ पे डालना है। समझ नहीं आया, प्रीवॉश और नॉर्मल वॉश में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल वॉश जो आप यहाँ पे सिर्फ डाल रहे हो उससे चलेगा। ठीक है, अगर मान लो कॉटन का लगाया आपने, प्रीवॉश सिलेक्ट नहीं किया है, तो एक जगह जब सिर्फ डालोगे एक चम्मच और मशीन पूरा सिर्फ यहाँ से लेके वो वॉश कर, लेकिन अगर प्री वॉश लगाओगे तो आधा चम्मच सिर्फ यहाँ पे डालना है। अच्छा, एक चम्मच यहाँ पे पहले मशीन आधा चम्मच सिर्फ लेके मोटा मोटा जो डस्ट है कपड़ों का वो निकाल देगी, यानी कि प्री वॉश होगा। वॉश से ये कॉटन जो कोल्ड आपने लगाया इस प्रोग्राम से पहले, एक प्री वॉश होगा, यानी कि एक मोटा मोटा डस्ट 10-12 मिनट की एक एक्स्ट्रा वॉश होगी। ठीक है, ज्यादा गंदे कपड़ों के लिए आप प्री वॉश सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे ना समझ में, यहाँ प्री वॉश का है, ये एडिटिव के लिए, ये मेन वॉश के लिए। डिटर्जेंट डालने के बाद प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम इसमें कॉटन के प्रोग्राम ये है, कॉटन कोल्ड, आपका टंकी से जैसा पानी आएगा वैसे में। ठीक है, कॉटन 40 ज्यादा गंदे कपड़ों के लिए, कॉटन 60 उससे भी ज्यादा गंदे कपड़ों के लिए लगा सकते हो, जींस वगैरह के लिए। ये टेम्परेचर है, सब इनबिल्ट हीटर है, इसके अंदर हीटर काम करता है, 40 डिग्री पे चलाने, 40 पे, 60 पे, 90 प्योर वाइट कॉटन के लिए होता है। अगर मान लो जैसे पहले होता था ना, बिल्कुल उबलते हुए पानी में कपड़े धोए जाते थे, वो अगर रिजाई के खोल वगैरह होते हैं जैसे, ठीक है, तो 90 डिग्री या पैड्स वगैरह के कपड़े हैं तो वो आप इसमें धो सकते हो, लेकिन ये यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी रहता है। ठीक है, सिर्फ प्योर वाइट कॉटन के लिए है, अगर कलर लगाओगे तो कलर निकाल। यहाँ से इकोनॉमिकल प्रोग्राम, अगर 40 डिग्री से धोने तो 40 से धो सकते हो, 60 से धोने तो 60 से। रिंस प्लस स्पिन, ये होता है मशीन को, अगर आपने मशीन में कपड़े हाथ से नहीं धो, हाथ से धो लिए और सिर्फ मशीन के अंदर डाल के रिंस और स्पिन करना हो अलग से, तो एक बार खंगाल देगी और सुखा देगी। यानी सपोज करो, अगर मान लो आपने कोई मिक्स कपड़े डाले थे और एडिटिव साथ में नहीं लगा सकते व्हाइट कपड़ों में, व्हाइट क्योंकि नील अलग से लगाना पड़ता है व्हाइट के लिए, तो अब पूरा प्रोग्राम लगाने की जरूरत नहीं है, ये रिंस प्लस स्पिन लगा के अलग से यहाँ थोड़ा सा नील डाल दो और धुले हुए कपड़े अंदर डाल के ये वाला प्रोग्राम चला दो। अगर सारे कपड़ों में डालना है तो सर्फ के साथ ही स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, नहीं तो इस वाले प्रोग्राम में लगा सकते हो, इसमें नील डाल सकते हैं बीच। हाँ, बीच में इस वाले में नील डाल के और यहाँ से लगा के मशीन को स्टार्ट कर देना। अपने आप लेगी जी मशीन, मैंने आपको बताया ना सर्फ के साथ स्टार्टिंग में डालना है, आपको डालना नहीं है बीच में, अपने आप करेगी मशीन सब कुछ। स्पिन सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए अलग से, सिर्फ अलग से ड्राई करने हो तो यहाँ से चला सकते हो। मिक्स 40 सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोग्राम यही है, मिक्स पे सारे कपड़े आपने मिक्स 40 पे लगा के और स्टार्ट कर देना यहाँ से। वुलन ऊनी कपड़ों के लिए, वुलन के लिए क्रेडल वॉश, क्रेडल वॉश होता है लॉन्ड्री के कपड़ों के लिए, इसमें पूरा ड्रम नहीं घूमता। अगर सॉफ्ट कपड़े, हैंड वॉश वाले कपड़े आपके, तो यहाँ से क्रेडल वॉश से धो सकते हो। क्विक 30 जल्दी के लिए, अगर कम गंदे कपड़े हैं तो क्विक 30 से धो सकते हो। सिंथेटिक, सिंथेटिक कपड़ों के लिए 40 डिग्री से धोना चाह रहे हो तो 40 से, 60 डिग्री 60 से, और 40 के बाद कोल्ड, जैसा आपका टंकी से पानी आ रहा है वैसे से। ठीक है, उसके अलावा डिले होता है यहाँ से मशीन को, अगर डिले करना हो तो 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, कितने घंटे का डिले डाल के आपको स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकते हो। डिले मतलब मशीन में टाइमर डाल देना, अगर 6 घंटे का डिले करके आपने मशीन को स्टार्ट कर दिया तो अभी जो टाइम है उससे 6 घंटे बाद मशीन वहाँ से पानी लेना स्टार्ट करेगी, यानी 6 घंटे बाद स्टार्ट होगा प्रोग्रामिंग। प्री वॉश आपको बता दिया था, प्री वॉश सिलेक्ट करोगे तो 2 जगह सिलेक्ट डलेगा, आधा चम्मच, 1 चम्मच, रिंस, एक्स्ट्रा रिंस,
ये अगर कपड़ों में आपको लगता है कि पूरा सर्फ निकलता नहीं है तो एक रिंस एक्स्ट्रा आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी ऑप्शन यहाँ से लेने वो ले सकते हो। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन ये है, स्टार्ट करने के बाद इन दोनों बटन को प्रेस करके रखोगे तो 3 सेकंड के लिए तो चाइल्ड लॉक लग जाएगा। अच्छा हाँ बच्चा अच्छा ना जिससे लग गया चाइल्ड लॉक। हटाने के लिए भी सेम है, दोनों बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखो हट जाएगा। ये स्पिन स्पीड है, रिंस होल्ड पे रखोगे तो मशीन रिंस पे जाके होल्ड हो जाएगी, यहाँ रखोगे तो मशीन स्पिन नहीं करेगी, रिंस पे होल्ड हो जाएगी, यानी कि मशीन के अंदर रिंस के टाइम पे स्पिन पे नहीं जाएगी, पानी में डिप रहेंगे कपड़े। लो लो के लिए, मीडियम मीडियम के लिए, हाई कॉटन वगैरह कपड़े अगर ज्यादा भारी कपड़े हैं तो हाई कर सकते हो।